हे फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल ब्लिंक स्पार्कल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत से जो है सहारे वाले ईयरिंग्स के डिज़ाइंस लेके आई हूँ। ये बहुत ही जो है 80s का ट्रेंड है जो आजकल जो है वापस आ गया है। इसको बाहुबली ईयरिंग्स भी आप कह सकते हैं। बाहुबली जो मूवी है उससे ये ज़्यादा ट्रेंड जो है पॉपुलर हुआ है। इस तरीके की ईयरिंग्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसे आप वाटरफॉल ईयरिंग्स भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। सहारे के साथ जो है क्लाइंबर्स के साथ आते हैं ये ईयरिंग्स, बहुत ही ग्रैंडियर लुक देते हैं। तो इसके साथ इजीली आप जो है नेकलेस स्किप कर सकती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये, स्पेशली अगर आपका जो है आउटफिट हाईनेक का हो तो इस तरीके की ईयरिंग्स बहुत खूबसूरत लगेंगे। आप सिर्फ ईयरिंग्स और टीका डाल के जो है अपना वेडिंग टाइप फेस्टिव लुक जो है कम्प्लीट कर सकती हैं। इस तरीके की ईयरिंग्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, किसी भी तरीके के आउटफिट के साथ आप पहन सकते हैं फ्रेंड्स। चाहे अनारकली हो, लहंगा हो, या फिर जो है साड़ी के साथ भी अच्छा लगता है। इस तरीके का साउथ इंडियन साड़ी के साथ आप ट्राई कर सकती हैं, साउथ इंडियन लुक्स के साथ भी जो है पर्ल के डिटेलिंग के चेन्स के साथ आते हैं। अगर आप जो है डिज़ाइनर साड़ीज़ के साथ पहनना चाहती हैं तो भी आप ट्राई कर सकती हैं। इस लुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि फ्रेंड्स इसकी जो है ईयरिंग्स के सहारे जो होते हैं वो हेयर में जो है क्लिप किए जाते हैं। तो हेयर स्टाइल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए आप जो है बन ट्राई करेंगी तो बेटर रहेगा इस तरीके की ईयरिंग्स के लिए, या फिर आप हाफ अप हाफ डाउन हेयर स्टाइल्स भी जो है ट्राई कर सकती हैं। बेटर रहेगा कि आप ओपन हेयर के साथ इस तरीके की ईयरिंग्स जो है ना ट्राई करें। तो ओपन हेयर के साथ ज़्यादा स्टेन ही करते हैं। अगर आप ओपन हेयर के साथ इस तरीके की ईयरिंग्स जो है ट्राई करेंगी तो बहुत ही जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और जो है पिन ठीक से आपको जो है पिन करके जो है इसको लगाना पड़ेगा। आई होप आपको जो है अच्छा लगे फ्रेंड्स। ये सारे जो डिज़ाइन जो मैंने डाला हुआ है इस वीडियो में बहुत ही जो है लेटेस्ट टाइप के डिज़ाइंस हैं, बहुत ही अलग लगता है। अगर आपकी शादी हो रही है तो आप इस तरीके का ईयरिंग्स जो है ट्राई कर सकते हैं। एटलीस्ट एक वेडिंग फंक्शन में, मेहंदी या हल्दी में बहुत ही अच्छा लगेगा इस तरीके का जो है लुक। तो आप जो है नेकलेस स्किप करके इस तरीके का लुक ट्राई कर सकते हैं, एक अलग हटके लुक आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। इस तरीके के लुक्स बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं। इस तरीके के जो ईयरिंग्स हैं आजकल, आप जो है ईयरिंग्स के साथ आते हैं चेन्स जो होते हैं ईयर के, वो आप डिटैचेबल भी होते हैं, तो आप ईयरिंग्स को बिना चेन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे फ्रेंड्स। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।